हेलो, सक्सेस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम ओपीडी फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ओपीडी का फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी को हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में पेशेंट और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट के रूप में डिजाइन किया गया है। यहाँ पेशेंट सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और फिर संबंधित डिपार्टमेंट में जाता है। पेशेंट जब पहली बार अस्पताल जाता है, वह सीधे ओपीडी में जाता है और फिर ओपीडी डिसाइड करती है कि पेशेंट को किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। यह उन पेशेंट्स को दी जाने वाली सुविधा है जिन्हें ट्रीटमेंट या कंसल्टेशन दिया जाता है और वे क्लिनिक छोड़ने और फिर से आने में सक्षम होते हैं, यानी जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटल बेड पर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ओपीडी आमतौर पर किसी भी अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर बनाई जाती है और इसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट आदि जैसे कई भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आउटपेशेंट वह पेशेंट होता है जो 24 घंटे या उससे अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती नहीं रहता है, लेकिन ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के लिए अस्पताल या क्लिनिक जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको ओपीडी फुल फॉर्म के बारे में और भी जानकारी हो तो कमेंट में शेयर करें। इस प्रकार की जानकारी के लिए सक्सेस सीरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।